सो वंस यू स्टार्ट द फ्यूजन 360 सॉफ्टवेयर करते हो, फॉर चेंजिंग जस्ट क्लिक ऑन दिस आइकॉन, देन क्लिक ऑन द यूनिट्स। ये यूनिट्स के ऊपर क्लिक करोगे सो दैट यू कैन चेंज द यूनिट्स हियर। ठीक है, यहाँ से आप यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ द यूनिट्स आर एमएम एंड द सेम आई हैव टू कंसिडर हियर। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई विल ड्रॉ द स्केच ऑफ अ ट्राइंगल हैविंग द बेस 60 mm। 60 mm का बेस चाहिए मुझे, और एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। फॉर दैट पर्पज आई विल सिलेक्ट द स्केच, स्केच सेलेक्ट करना है, देन इट विल आस्क टू सेलेक्ट द टॉप लेन। सो टॉप लेन सेलेक्ट करना है आपको यहाँ से। वंस यू सेलेक्ट द टॉप लेन यू विल बी एंटर इन टू द स्केचर एनवायरमेंट। आप स्केचर एनवायरमेंट में यहाँ पर एंटर हो जाओगे। नाउ विद द हेल्प ऑफ लाइन कमांड आई कैन ड्रॉ द ट्राइंगल हियर। यहाँ पे हमें ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लाइन कमांड। सो जस्ट टू सेलेक्ट द लाइन कमांड यू कैन डायरेक्टली सेलेक्ट द लाइन कमांड फ्रॉम द स्केच। स्केच क्रिएट से आप लाइन कमांड सेलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू हैव द शॉर्टकट दैट इज द एल। एल टाइप करोगे सो द लाइन कमांड विल बी एक्टिवेटेड। एल कमांड, एल जैसे आपने टाइप किया तो आपका जो लाइन कमांड है वो एक्टिवेट हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, वंस द लाइन कमांड एक्टिवेटेड जस्ट सेलेक्ट द सेंटर पॉइंट। ये सेंटर पॉइंट सिलेक्ट करना है आपको। ड्रॉ द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ ए 60 mm। 60 mm टाइप करो उसको यहाँ पर प्रॉपर, एंड देन प्रेस एंटर। एंटर प्रेस करना है आपको यहाँ से। एंटर प्रेस करने के बाद में देन अगेन आपको क्या करना है, यहाँ से इसका सेंटर पॉइंट निकालना है यहाँ से। सी दिस इज द सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट निकाला मैंने यहाँ से, और एक अप्रोक्सीमेट वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है विच इज ग्रेटर देन द 60 mm। 60 mm से जो ज्यादा रहेगी। ठीक है, देन इसको एस्केप किया मैंने यहाँ से। अगेन सेलेक्ट द लाइन कमांड। नाउ सेलेक्ट दिस पॉइंट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रीवियस लाइन। प्रीवियस लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट सिलेक्ट किया। अभी इस लाइन के ऊपर आपको कहीं तो भी एक पॉइंट लेना है विच इज हैविंग द डिस्टेंस ऑफ अ 60 mm, जो 60 mm का डिस्टेंस रहेगा। सो मैं यहाँ पर एक कौन सा भी पॉइंट कंसिडर करता हूँ एंड जस्ट आई टाइप द डिस्टेंस एज ए 60 mm। ठीक है, 60 mm इतना डिस्टेंस मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, जिसे मैंने यहाँ पर 60 टाइप किया और इसको एंटर कर दिया है। एंटर करने के बाद में अगेन सेलेक्ट द लाइन कमांड एंड सेलेक्ट दिस टू पॉइंट्स। ये दो पॉइंट सिलेक्ट करना है आपको सो दैट योर ट्राइंगल विल बी कम्प्लीट हियर। ट्राइंगल कम्प्लीट होने के बाद में डिलीट द कंस्ट्रक्शन लाइन, जो आपने कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ की थी उसको डिलीट करना है आपको यहाँ से। ठीक है, वंस योर ज्योमेट्री इज कम्प्लीटेड, सी यहाँ पर आपकी ज्योमेट्री कम्प्लीट होगी। अगर आपको मैनुअली अगर इसको कंस्ट्रेंट देना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस लाइन के साथ में इक्वल करना है, सो दैट उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से पैरेलल सेलेक्ट करोगे। पैरेलल सेलेक्ट करने के बाद में ये लाइन सेलेक्ट करो, प्रेस द कंट्रोल एंड सेलेक्ट दिस वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करोगे, या तो फिर इस लाइन को सिलेक्ट करो एंड प्रेस दी कंट्रोल प्रेस करना है, सॉरी कंट्रोल जेड कर देता हूँ मैं एक मतलब इसको। कंट्रोल जेड करने के बाद में सी आपको अगर सपोज इन दोनों को पैरेलल, सॉरी ये पैरेलल सेलेक्ट किया था मैंने यहाँ से, आपको इक्वल सेलेक्ट करना है। दोनों को इक्वल अगर करना है तो इक्वल सेलेक्ट करो, सेलेक्ट दिस लाइन एंड प्रेस कंट्रोल, सेलेक्ट द सेकेंड लाइन। दोनों लाइन सेलेक्ट करने के बाद में वो पैरेलल हो जाएगा। देन प्रेस दी अगेन अगेन सेलेक्ट दी कंट्रोल बटन एंड सेलेक्ट द थर्ड लाइन। थर्ड लाइन सेलेक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगी, दो तीनों भी एक दूसरे के साथ में देखो यहाँ पर कंस्टेंट हो गए, दिख रहा है आपको यहाँ पर इक्वल का साइन। सो दिस थ्री लाइन्स आर इक्वल टू ईच अदर हमारे पास में। नाउ जस्ट प्रेस द एस्केप बटन, एस्केप बटन प्रेस करना है। योर स्केच इज कम्प्लीटेड सो सेलेक्ट द फिनिश स्केच। फिनिश स्केच करने के बाद में कम टू द होम पेज। होम पेज पर आना है सो दैट यू कैन सी द आइसोमेट्रिक व्यू। आइसोमेट्रिक व्यू देखने के बाद में नेक्स्ट थिंग, अभी ट्राइपॉड को हमको एक पॉइंट निकालना होगा यहाँ पर। ठीक है, सो फॉर क्रिएटिंग दैट पॉइंट यू विल हैव टू टेक दी वन अनादर ऑफसेट प्लेन। ऑफसेट प्लेन लेना होगा आपको यहाँ से। सो सेलेक्ट द ऑफसेट प्लेन फ्रॉम द कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट में जाके आपको ऑफसेट प्लेन सेलेक्ट करना है। ऑफसेट प्लेन सेलेक्ट करने के बाद में इट विल आस्क टू सेलेक्ट द प्लेन, कहाँ से ऑफसेट प्लेन चाहिए आपको, ये वाला रीजन सेलेक्ट करो। रीजन सेलेक्ट करने के बाद में एरो को ऊपर मूव करो सो दैट यू कैन एंटर द डिस्टेंस, एट वॉट डिस्टेंस यू वॉन्ट द ऑफसेट प्लेन। सो आई नीड द ऑफसेट प्लेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 mm। 50 mm पे मैंने ऑफसेट प्लेन लिया, जस्ट प्रेस द एंटर। एंटर प्रेस करना है आपको। एंटर प्रेस करने के बाद में आपको पॉइंट ड्रॉ करना है इस प्लेन के ऊपर। ठीक है, सो इस प्लेन के ऊपर पॉइंट ड्रॉ करने के लिए आप क्या करोगे, वापस से यहाँ पर स्केच पे क्लिक करोगे। स्केच पे क्लिक करने के बाद में आप इस टॉप प्लेन पे क्लिक करोगे सो दैट यू विल एंटर इनटू द स्केचर एनवायरनमेंट। आप स्केचर एनवायरनमेंट में यहाँ पर एंटर हो गए अभी। ठीक है, जैसे आप स्केचर एनवायरनमेंट में एंटर होते हो, सी स्केचर एनवायरनमेंट में एंटर हो गए, नाउ यू विल हैव टू फाइंड द सेंटर पॉइंट ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का आपको सेंटर पॉइंट फाइंड करना होगा। ठीक है, सो उसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द क्रिएट, नाउ सिलेक्ट द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। नाउ यहाँ से प्रोजेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको फ्रॉम द प्रोजेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपको प्रोजेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा यहाँ से। इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस प्रोसेस यू कैन डायरेक्टली प्रेस द पी बटन एज अ शॉर्टकट। सो पी बटन सिलेक्ट करके भी आप शॉर्टकट में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये तीन लाइन सिलेक्ट करना है सबसे पहले। ठीक है, सो आई हैव सिलेक्टेड दिस थ्री लाइन्स। देखो यहाँ पर ज्योमेट्री में मैंने तीनों भी लाइन सेलेक्ट की है।
Once you select the three lines, just click the OK button. जिसे हमने OK button click किया, so no need to draw the triangle as we have drawn previously. आप directly उसको project कर सकते हो इस plane के ऊपर, ठीक है? Directly इस plane पे ये project हो गया. Now to find the center, center find करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? You will have to, you need to draw the line from its corner to its second side, mid point of the second side, ठीक है? So मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक line लेता हूँ. Line लेने के बाद मैं यहाँ से एक line draw करता हूँ, which is at the मिडल ऑफ दी दिस लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है इसके सामने ही, उसके मिड पॉइंट पे मैं इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ. ठीक है, एक लाइन ड्रॉ की मैंने, देन अगेन लाइन सेलेक्ट किए मैंने यहाँ से, देन इसके मिड से, इसके कॉर्नर से मैं, ये कॉर्नर से मैं इसके जो उसकी अपोजिट लाइन जो रहेगी साइड, उसके मिड पॉइंट के ऊपर उसको क्लिक करूंगा, सो दैट यू विल गेट द कॉर्नर. आपको ये कॉर्नर, ये सेंटर पॉइंट मिल गया अभी यहाँ पर. ठीक है, ये सेंटर पॉइंट मिलने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ करना है. सो टू क्रिएट द पॉइंट, गो टू द क्रिएट, क्रिएट में जाना है आपको. सी यहाँ पर एक पॉइंट ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको पॉइंट. सी दिस इज द नेक्स्ट टू द टेक्स्ट पॉइंट ऑप्शन पे सिलेक्ट करना है आपको. पॉइंट ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद में आपको पॉइंट कहाँ पर ड्रॉ करना है, ऑन द सेंटर, इस सेंटर पे आपको पॉइंट ड्रॉ करना है. सो जस्ट सिलेक्ट दिस पॉइंट, ये पॉइंट सिलेक्ट करना है आपको. एस्केप करो इसको. एस्केप करने के बाद में जो कंस्ट्रक्शन लाइन्स हमने ड्रॉ की थी, जस्ट डिलीट दिस लाइन्स, ये दोनों भी लाइन्स को डिलीट कर देना है यहाँ पर इस तरह से. ये लाइन्स डिलीट करने के बाद में गो टू द फिनिश स्केच, फिनिश स्केच करना है. नाउ कम टू द होम पेज, होम पेज पर आप आ जाओगे इस तरह से. होम पेज पर आने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से इस सरफेस से इस पॉइंट तक की मटेरियल ऐड करना है. सो फॉर दैट पर्पस आई विल यूज द लोफ्ट ऑप्शन. ठीक है, हमारे पास में कौन सा ऑप्शन है, लोफ्ट ऑप्शन है हमारे पास में, सो दैट यू कैन ऐड द मटेरियल फ्रॉम वन ज्योमेट्री टू द अनदर ज्योमेट्री. सो लोफ्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको. लोफ्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में सी आपको सबसे पहले ये वाला प्लेन सेलेक्ट करना है, फर्स्ट प्लेन एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट, कहाँ तक आपको उसको लोफ्ट करना है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको लोफ्ट कर देता हूँ. ये पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पर, देखो जैसे ही मैंने पॉइंट, सेकंड वाला पॉइंट सेलेक्ट किया, यू कैन सी इसने मटेरियल ऐड किया है फ्रॉम द ट्रायंगल टू द पॉइंट. देखो ट्रायंगल से पॉइंट तक का इसने मटेरियल यहाँ पर ऐड कर दिया इस तरह से. ठीक है, नाउ सेलेक्ट दी ओके बटन. ओके बटन सेलेक्ट करोगे सो यहाँ पर आपका ये इस तरह से एक ट्राइंगल, एक पिरामिड, ट्राइंगुलर पिरामिड क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, इस तरह से ट्राइंगुलर पिरामिड हमारा क्रिएट हो चुका है. नाउ द नेक्स्ट इज टू शेल एनी वन साइड, आपको कौन सी भी एक साइड शेल करना है. सो विच विच साइड, द बॉटम साइड यू विल हैव टू शेल हियर. ठीक है, सो उसके लिए आप क्या करोगे, गो टू द मॉडिफाई, मॉडिफाई में जाना है आपको. नाउ सिलेक्ट द शेल, शेल ऑपरेशन क्रिएट क्लिक करना है. वंस यू सिलेक्ट द शेल ऑपरेशन, इट विल आस्क टू सिलेक्ट द फेस, कौन से फेस से आपको शेल करना है. सो आई एम गोइंग टू शेल द बॉटम फेस, बॉटम फेस पे क्लिक करो. बॉटम फेस पे क्लिक करने के बाद में इट विल आस्क द इनसाइड थिकनेस ऑफ द वॉल्स, जो वॉल अलग अंदर की जो वॉल्स है, रिमेनिंग वॉल्स है, उसका थिकनेस पूछ रहा है. सो आई विल कंसीडर द थिकनेस वॉल एज ए 2.5 थिकनेस वॉल मैंने कंसीडर किया यहाँ पर, इनसाइड थिकनेस, एंड जस्ट क्लिक द ओके बटन. इसी ओके बटन आप सिलेक्ट करते हो एंड जस्ट मूव इट बाय प्रेसिंग द शिफ्ट बटन एंड द मिडल माउस बटन. देखो इस तरह से आप मूव करके देखोगे तो आपको ये शेल हुआ दिखाई देगा यहाँ पर. ठीक है, नाउ वंस द शेल इज क्रिएटेड, शेल क्रिएट होने के बाद में द सेकेंड थिंग दैट यू विल हैव टू रिमूव द सर्कुलर मटेरियल फ्रॉम द ईच साइड. हर एक साइड से आपको एक सर्कुलर टाइप में मटेरियल रिमूव करना है यहाँ पर. ठीक है, सो फॉर दैट पर्पज सबसे पहले मैं होम पेज पर आ जाता हूँ. होम पेज पर आने के बाद में सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से कौन सा भी एक फेस सेलेक्ट करता हूँ फॉर द स्केचिंग पर्पज. सो फर्स्ट सेलेक्ट द स्केच एंड सेलेक्ट एनी फेस, ये फेस सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पर. फेस सेलेक्ट करने के बाद में अगेन आपको क्या करना है, जो सर्कल ड्रॉ करना है दैट शुड बी एट द सेंटर. सो द सेम प्रोसेस यू विल फॉलो हियर, दैट इज फर्स्ट यू विल सेलेक्ट द प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है आपको. प्रोजेक्ट दिस लाइन्स, ये तीनों भी लाइन्स आपको प्रोजेक्ट करना है यहाँ पर. वंस द लाइन्स आर प्रोजेक्टेड, जैसे ही लाइन्स हमारी प्रोजेक्ट हो जाएगी, क्लिक करो इसको. देखो लाइन्स प्रोजेक्ट होगी हमारी यहाँ पर. लाइन्स प्रोजेक्ट होने के बाद में जस्ट वेट, एक लाइन प्रोजेक्ट होने की बाकी रहेगी हमारी. सो जस्ट प्रोजेक्ट एंड दिस लाइन, ये लाइन सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पर, इसको ओके बोल दिया. नाउ सी दिस थ्री लाइन्स आर प्रोजेक्टेड, सेम प्रोसेस फॉलो करना है. जस्ट ड्रॉ द लाइन वर्टिकल, एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको फ्रॉम द सेंटर टू द इट्स सेंटर पॉइंट ऑफ द बेस, जो उसका बेस लाइन रहेगा या फिर जो फेस रहेगा वहाँ तक की. एक ये लाइन ड्रॉ किया मैंने, अगेन मैं यहाँ से इस कॉर्नर से लेता हूँ और यहाँ से इसके सेंटर पे एक लाइन ड्रॉ करता हूँ. नाउ यू हैव दी सेंटर पॉइंट, आपके पास में एक सेंटर पॉइंट मिल गया. नाउ यू नीड टू ड्रॉ दी सर्कल हियर, आपको यहाँ पर क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है. सो सर्कल का जो डायमीटर रहेगा दैट विल बी कंसिडर एज ए 25 mm. सो 25 mm का सर्कल आप ड्रॉ करोगे यहाँ पर. सो मैंने सर्कल लिया यहाँ से एंड देन यहाँ से 25 mm का सर्कल ड्रॉ करता हूँ. जस्ट जूम करो इसको, प्रॉपर सेंटर पॉइंट लो यहाँ से एंड देन एक 25 mm का सर्कल ड्रॉ करना है मुझे यहाँ पर. ठीक है, सो मैं यहाँ से 25 mm टाइप किया मैंने, जस्ट एंटर, एंटर करना है आपको यहाँ पर. आफ्टर ड्राइंग द सर्कल जस्ट डिलीट द रिमेनिंग लाइंस और द कंस्ट्रक्शन लाइंस विच यू हैड कंसीडर हियर. सो कंस्ट्रक्शन लाइंस हमने यहाँ पर डिलीट कर दिए,
कंस्ट्रक्शन लाइन डिलीट करने के बाद में गो टू द फिनिश स्केच, फिनिश स्केच करना है. सो यू विल बी एंटर्ड इनटू द पार्ट एनवायरनमेंट एंड यू कैन सी द ऑब्जेक्ट इन द एज ए आइसोमेट्रिक व्यू. आइसोमेट्रिक व्यू में आप ऑब्जेक्ट देख सकते हो. नाउ अभी देखो आपको क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट का ये मटेरियल रिमूव करना है आपको, ठीक है. सो मटेरियल रिमूव करने के लिए देखो अभी मैं सबसे पहले क्या करूंगा, आई विल सिलेक्ट द एक्सट्रूड ऑप्शन. यहाँ पर क्रिएट में जाना है आपको, सिलेक्ट द एक्सट्रूड, एक्सट्रूड सेलेक्ट करना है. नाउ सबसे पहले प्रोफाइल पूछ रहा है, सो सिलेक्ट दिस प्रोफाइल. थ्रू दिस प्रोफाइल यू विल हैव टू रिमूव द मटेरियल. मटेरियल रिमूव करना है आपको, जस्ट इसको रोटेट करो थोड़ा सा ऐसा. हमने उसका प्रोफाइल तो सिलेक्ट कर लिए. नाउ जो प्रोफाइल का जो स्टार्ट पॉइंट रहेगा दैट विल बी द प्रोफाइल प्लेन. डायरेक्शन विल बी द वन साइड, एक ही साइड में आपको मटेरियल रिमूव करना है. देन जो एक्सटेंशन रहेगा, इंस्टेड ऑफ गिविंग द डिस्टेंस हम कंसिडर करेंगे यहाँ से टू ऑब्जेक्ट, ठीक है. सो टू ऑब्जेक्ट मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से. टू ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद में इट विल आस्क टू एंटर द सेकेंड ऑब्जेक्ट, कहाँ तक उसको एक्सट्रूड करना है या फिर कहाँ तक उसको रिमूव करना है, ठीक है. सो यहाँ पर क्लिक करना है और जो अंदर का जो वॉल रहेगा मेरा, अंदर के वॉल को मैं सिलेक्ट करता हूँ इसी के ऊपर जहाँ पर मैंने सर्कल ड्रॉ किया था, ठीक है. सो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया. जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये मटेरियल रिमूव कर रहा है. इट हैज कंसिडर द थिकनेस एज ए 2.5. देखो यहाँ पर बाई डिफॉल्ट ये 2.5 थिकनेस कंसिडर कर रहा है, बिकॉज वी हैड कंसिडर द थिकनेस 2.5 प्रीवियसली व्हाइल डूइंग द शेड. इसका यूज क्या रहेगा यहाँ पर, अभी अगर सपोज इन फ्यूचर यू आर डूइंग द मॉडिफिकेशन इन दिस ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर अगर आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो, सो नो नीड टू परफॉर्म दिस सेकेंड ऑपरेशन. वंस यू अगर आप इस तरह से अगर करते हो और आप डायरेक्टली अगर इसका थिकनेस चेंज करते हो, व्हाटएवर द थिकनेस वी हैड डिफाइंड 2.5, अगर आप थिकनेस चेंज करोगे सो वापस से उसके ऊपर और मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं. बाय डिफॉल्ट इट विल कंसीडर और इट विल रिमूव द सर्कुलर मटेरियल अप टू द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, एंड द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट विच यू विल डिफाइन लेटर, जो बाद में डिफाइन करने वाले हो आफ्टर द मॉडिफिकेशन, ठीक है. तो फॉर दैट पर्पज वी हैव कंसिडर द टू ऑब्जेक्ट, ठीक है. टू ऑब्जेक्ट ऑप्शन हमने कंसिडर किया. नाउ द ऑपरेशन विल बी द कट ऑपरेशन. कट ऑपरेशन लेना आपको, जस्ट सिलेक्ट दी ओके बटन. ओके बटन सिलेक्ट किया हमने. नाउ कम टू द होम पेज. होम पेज पर आओगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरह से हमने इसका मटेरियल यहाँ पे रिमूव किया है, ठीक है. नाउ आपको क्या करना है, अभी वापस से सेम प्रोसेस फॉलो करनी है क्या? नहीं, नो नेसेसरी टू फॉलो द सेम ऑपरेशंस. यू कैन गो फॉर द मिरर. आप मिरर ऑप्शन के लिए भी जा सकते हो, बट मिरर ऑपरेशन कैसा करोगे यहाँ पर? मिरर ऑपरेशन के लिए आपको यहाँ पर अभी प्लेन लगेगा, ठीक है. सो सबसे पहला जो प्लेन मैं यहाँ पर क्रिएट करने वाला हूँ दैट विल बी इन बिटवीन द टू फेसेस. ये दो फेसेस के सेंटर में मुझे क्या करना है, प्लेन क्रिएट करना है. ये फेस और एक ये वाला फेस, देखो जूम करके दिखा दो, एक ये फेस के बीच में और इन दोनों फेस के बीच में मेरे पास में अगर सपोज मिरर प्लेन है, सो दैट आई कैन क्रिएट द मिरर, तो ही मैं इसका मिरर क्रिएट कर सकता हूँ. सो फॉर दैट आई विल गो टू द कंस्ट्रक्ट. कंस्ट्रक्ट में जाना है मुझे, मिड प्लेन सेलेक्ट करना है आपको. वंस आई सिलेक्ट द मिड प्लेन इट विल आस्क टू सिलेक्ट द टू फेसेस, किन के बीच में आपको मिड प्लेन चाहिए. सो सिलेक्ट दिस फर्स्ट, ये वाला फेस सिलेक्ट करना है. प्रेस द कंट्रोल एंड ये सेकेंड वाला फेस क्रिएट करना है, ठीक है. सेकेंड वाला फेस जैसे आपने सेलेक्ट किया, सिलेक्ट द ओके बटन. ओके बटन सिलेक्ट करने के बाद आप इसको मूव करके देख सकते हो यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट हो चुका है, दिख रहा है प्लेन. नाउ अभी ये प्लेन क्रिएट होने के बाद में आपको क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था उसी का मिरर करना है यहाँ पे, ठीक है. सो हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा, सेकेंड वन. ये सेकेंड वाला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से. सिलेक्ट करने के बाद में और क्रिएट में जाएंगे हम. क्रिएट में जाने के बाद में देखो यहाँ पर मिरर ऑप्शन दिया है, सिलेक्ट द मिरर ऑप्शन. मिरर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में गो टू द पैटर्न. पैटर्न में जाना है, सिलेक्ट द फीचर, कंप्लीट फीचर, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड, देन मिरर प्लेन, सिलेक्ट द मिरर प्लेन. और मिरर प्लेन कौन सा आपका, ये वाला प्लेन है, तो इसको सेलेक्ट करो यहाँ से. सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो इधर से मिरर दिखाई दे रहा, बट कंप्यूट ऑप्शन के अंदर आप जाओगे यहाँ से तीन ऑप्शन अवेलेबल है. एक है एडजस्ट, आइडेंटिकल एंड द ऑप्टिमाइज. सो यू विल सिलेक्ट द ऑप्टिमाइज ऑप्शन. ऑप्टिमाइज ऑप्शन सिलेक्ट करना है, जस्ट क्लिक द ओके बटन. जैसे आप ओके बटन सिलेक्ट करते हो तो दिस ही यहाँ पर एक अलग से वापस उसका मिरर क्रिएट हो चुका है. मिरर क्रिएट हो गया हमारा. अभी जो प्लेन है हमारा, ये प्लेन विजिबल है हमको, प्लेन क्लियर दिखाई दे रहा है, बट हमको प्लेन नहीं दिखाना है यहाँ पर. फॉर एग्जांपल तो हम सिंपली क्या करेंगे, प्लेन को सिलेक्ट करना है हमको और वी प्रेस करना है. वी फॉर व्यू एंड द हाइट, दोनों के लिए हम इसको यूज करते हैं. मैंने वी प्रेस किया और उसको जूम इन जूम आउट करके देखा तो प्लेन हमारा चला गया वहां से, ठीक है. नाउ सेम प्रोसेस यू विल हैव टू फॉलो द फॉर द नेक्स्ट. सेकेंड वाले के लिए आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, मतलब ये वाला जो ऑब्जेक्ट है हमारा, ये जो हमने मिरर बनाया अभी, ठीक है, इस मिरर का, सॉरी ये जो मिरर बैठा, ये जो हमारे पास में पहला वाला ऑब्जेक्ट था, इसी का अभी मिरर मुझे इधर के साइड में करना है. तो मैं क्या करूँगा, वापस इसको थोड़ा रोटेट किया, गो टू द कंस्ट्रक्ट, सिलेक्ट द मिड प्लेन. मिड प्लेन सेलेक्ट करना है आपको. मिड प्लेन सेलेक्ट करने के बाद में दो साइड सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपको मिड प्लेन चाहिए. ये दोनों साइड सेलेक्ट किया हमने, जस्ट सिलेक्ट ओके बटन. ओके बटन सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा रोटेट करके देखो, आपका प्लेन रेडी होगा यहाँ पर. नाउ गो फॉर द मिरर. मिरर करना है आपको. सो सबसे पहले आपको ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, देन गो टू द क्रिएट, सेलेक्ट द मिरर. मिरर में जाना है. नाउ पैटर्न टाइप शुड बी दी फीचर. फीचर सेलेक्ट करना है आपको यहाँ से. ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड,
देन सिलेक्ट द मिरर, मिरर सेलेक्ट करना है आपको, ये वाला मिरर सेलेक्ट किया मैंने यहाँ से। देन यूज द कंप्यूट ऑप्शन एज ए ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज ऑप्शन आप सिलेक्ट करोगे एंड देन सिलेक्ट दी ओके बटन, ठीक है। ओके बटन सेलेक्ट किया आपने, ओके बटन सेलेक्ट करने के बाद में देखो यहाँ से इस तरह से इसके तीन मिरर्स रेडी हो चुके। कम टू द होम पेज, होम पेज पर हम आ जाते हैं। नाउ सिलेक्ट दिस पेज, दिस प्लेन एंड जस्ट प्रेस द वी, वी टाइप करो, थोड़ा बाहर क्लिक करो। आपको बाहर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे दोनों भी प्लेन हाइड हो चुके हैं, ठीक है। जस्ट रोटेट करो इसको थोड़ा, रोटेट करने के बाद में देख सकते हैं आप तीनों भी साइड से हमारा ये ऑब्जेक्ट का मिरर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और द नेक्स्ट थिंग दैट इज द फिलेट, आपको यहाँ पर फिलेट अप्लाई करनी है, ठीक है। सो फॉर अप्लाइंग द फिलेट जस्ट प्रेस द एफ बटन, एफ बटन प्रेस कर सकते हो आप डायरेक्टली, और यू कैन गो टू द मॉडिफाई एंड सिलेक्ट द फिलेट, यहाँ से फिलेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। नाउ ये सिलेक्ट करने के बाद में सबसे पहले तो मैं ये तीन कॉर्नर साइड सिलेक्ट करता हूँ, तीनों भी कॉर्नर साइज बाय प्रेसिंग द कंट्रोल बटन आई हैव सिलेक्टेड एंड जस्ट गिव द रेडियस एज ए 2.5 इतना रेडियस दो, जस्ट प्रेस द एंटर बटन। एंटर बटन प्रेस करने के बाद में देखो जो कॉर्नर्स थे हमारे, ये सारे कॉर्नर्स क्या हो गए यहाँ पर फिलेट हो चुके हैं, बट आपको जो सर्कल्स के कॉर्नर्स रहेंगे उनको भी फिलेट करना है। सो अगेन प्रेस द एफ, एफ प्रेस करना है, देन जो कॉर्नर्स है हमारे सर्कल के उसको प्रॉपरली ध्यान से सिलेक्ट करना है बाय प्रेसिंग द कंट्रोल, कंट्रोल बटन प्रेस करके इसको सारे साइड सिलेक्ट कर दो यहीं से ही। अभी तीनों भी विजिबल है आपको, यहीं से इसको रोटेट करने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। नाउ गिव द रेडियस एज ए 2.5 इतना रेडियस दिया हमने एंड जस्ट प्रेस दी एंटर बटन। एंटर बटन प्रेस किया हमने यहाँ पर, एंटर बटन प्रेस करने के बाद में जस्ट वेट, हाँ 2.5 ओके, सो कंसिडर इट एज ए 1.5 जो एज रहेगा उसका 1.5 कंसिडर करो इसको एंड जस्ट जस्ट सिलेक्ट दी ओके बटन। ओके बटन आपने सिलेक्ट किया यहाँ पर, ओके बटन सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर जो एजेस थी हमारी सारी एजेस शार्प हो चुकी है। नाउ कम टू द होम पेज, होम पेज पर आना है आपको इस तरह से। होम पेज पर आने के बाद में आप थोड़ा इसको रोटेट कर सकते हो इस तरह से, मैंने इसको इस तरह से रोटेट किया यहाँ पर। एक इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, देन इसके बाद में हम इसके ऊपर मटर, इसके ऊपर इसका अपीयरेंस चेंज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर ये एक मॉडल क्रिएट कर सकते हो पेंटर्स।